क्या आपने हिचकॉक की वो फिल्म देखी है जिसमें एक आदमी अपनी मुट्ठी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग लिए मर जाता है। मरने के करीब 3-4 घंटे बाद मारने वाला उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है, मगर मुट्ठी खुलती नहीं क्योंकि उसका पूरा शरीर एकदम कड़क हो चुका है। मुट्ठी खोलने के लिए उसे मुर्दे की एक एक अंगुली तोड़कर खोलनी पड़ती है। देखिए, होता यूं है कि मरने के करीब 2-3 घंटे बाद हमारे शरीर की मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कड़क होनी शुरू हो जाती है और पूरा शरीर धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुर्दा जिंदा हो गया है, मगर ऐसा होता नहीं है। थोड़ी देर बाद पूरा शरीर एक पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है। इसी को कहते हैं रिगर मोर्टिस। हेलो जी, मैं शंकर से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, प्लीज बहुत अर्जेंट काम है, उसे बुला दीजिए। हेलो शंकर, मैं तुमसे कल किसी भी हालत में मिलना चाहती हूँ। डैडी ने आज घर में एक ऐसी खबर सुना दी जिससे मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो अगले महीने मेरी शादी कर देना चाहते हैं। उन्होंने किसी से बात भी कर ली है और वो चाहते हैं कि मैं लड़के वालों से मिल लूं, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने कहा कि मैं गोवा 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मगर वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। वो मेरी शादी करा के ही छोड़ेंगे। नहीं नहीं, उन्हें हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और मैं उन्हें बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। क्या? अरे नहीं नहीं, तुम उनसे मत मिलना, वो गुस्से से पागल हो उठेंगे और वो तुम्हें पीट भी सकते हैं। देखो शंकर, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से भाग जाते हैं, हम गोवा चले जाएंगे। मैं वहां जाके कोई काम ढूंढ लूंगी, हम दोनों मिलकर घर चला लेंगे। तुम उसके बारे में सोचो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। देखो शंकर, तुम कल मुझे कितने बजे मिल रहे हो? अच्छा, 5 बजे उसी जगह। क्या कहा? रिलैक्स? इस घर में कोई रिलैक्स कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं मालूम, मेरा बाप पागल हो चुका है। अलका, कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पूना में एक नारियल वाला अचानक पागल हो गया और वो लोगों पर हमला करने लगा अपने उस लंबे चाकू से जिससे वो नारियल काटा करता था। और जहां तक मुझे याद है, उसने 2 लोगों को मार डाला और करीब 1/2 दर्जन लोग को उसने घायल कर दिया। ये सब इस गर्मी की वजह से हुआ होगा, और जानते हो ये गर्मी से दिमाग में एक उबाल पैदा होता है। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा नहीं हुआ होगा? लेकिन ये सब डरावनी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जब से तुमने खूनी और पुलिस के बारे में कहानियां लिखना शुरू की है, तब से तुम्हारे दिमाग में सिवाय अपराध के और कुछ आता ही नहीं है। और एक मैं हूँ जो अपने भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। अलका, दरअसल मैं तुम्हारा ध्यान बटाना चाह रहा था। सॉरी यार, मैं इस शादी की टेंशन वाली बात करना नहीं चाहता। लेकिन हम भाग क्यों नहीं सकते? अरे हम आर्य समाज में जाके शादी कर लेंगे, मैं बालिग हूँ, और अगर एक बार शादी हो गई ना तो मेरे डैडी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम लोग इस पर कितनी बार बहस करेंगे, हम लोग कितनी बार इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तुम जानती हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम रेगुलर नहीं है, और मैं रहता कहाँ उस छोटी सी जगह में, पेइंग गेस्ट। हम शादी कर लेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से और रहेंगे कहाँ उस पेइंग गेस्ट छोटी सी जगह में। लोग कहते हैं कि प्यार ताजी हवा पे जीता है, अरे यहाँ तो ताजी हवा भी नहीं मिलती। अलका प्लीज थोड़ा धीरज रखो, और हाँ, तुम गोवा से कब लौट रही हो? 1 महीने के बाद। ठीक है, अभी मेरे पास जो काम है वो लगभग 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और उसके बाद तनातन काम आएंगे, मैं ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, खूब सारा पैसा आएगा, और फिर हम शादी कर लेंगे। अलका, कुछ दिनों के लिए अपने बाप को टाल दो। अपने बाप को टाल दूं? लेकिन मुझे तो उनसे बात करने में भी डर लगता है। तुम्हें तो मालूम है वो आधे पागल है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जब तक मैं गोवा में हूँ तुम भी वहाँ क्यों नहीं आ जाते थोड़े दिनों के लिए? बहुत मजा आएगा, हम समुंदर पे डांस करेंगे। अच्छा? और ये तुम्हारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज? मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम चाहिए, और चेंज हो रहा है ना। मेरा दोस्त सतीश है, वो 6 महीने के लिए दुबई जा रहा है, और मैं उसके बंगले पे रहूंगा, कुसुम नगर। कुसुम नगर में? हाँ।
वहाँ सुनसान जगह पर, शहर से इतनी दूर। तो क्या हुआ? जहाँ कोई है ही नहीं, तुम बोरियत के मारे ही मर जाओगे। कहाँ था यार तू? मुझे लगा अब तू नहीं आएगा, तूने तेरा इरादा बदल दिया। सॉरी यार, वो दरअसल क्या हुआ कि मैं एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गया था। अच्छा, अरे भाई दुबई की मेरी फ्लाइट रात को 2 बजे की है, तब तक जरा सेलिब्रेट करते हैं। क्या है, अगले 6 महीनों में दुबई में मेरा कारोबार एकदम बढ़ जाएगा। अरे हाँ, मैं भूल जाऊं इससे पहले, ये चाबियां तू रख ले। थैंक यू यार। वहां के किचन में मैंने सब सामान भरवा दिया है, फ्रिज को भी स्टॉक कर दिया है मैंने, बियर वियर सब है वहां पे। मेरा नौकर हफ्ते में 2 बार तुम्हारे पास आएगा और अंडे सब्जियां जो कुछ चाहिए वो दे जाया करेगा तुम्हें। यार मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूंगा यार। यार थैंक्स अ लॉट यार। शुक्रिया तो मुझे तेरा अदा करना चाहिए, तू वहां रहेगा तो कम से कम मेरा बंगला तो साफ सुथरा रहेगा। तेरे पास अगर मोटरसाइकिल होती तो अच्छा रहता, क्या है वो जगह जरा दूर है और कभी कभी तो रात के सन्नाटे से हवा ही निकल जाती। अरे डू मी अ फेवर। क्या है, मैं इसे लॉकर में रखना भूल ही गया हूं, इसे मैं साथ तो ले जा नहीं सकता, तू ही इसे रख ले। ये क्या, पिस्तौल? असली है क्या? ऑफ कोर्स असली है, जरा संभाल के, लोडेड है। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे पास गन भी है। जब जब कुसुम नगर जाता हूँ तब अपने पास रखता हूँ, इससे मैं बड़ा सेफ महसूस करता हूँ। काफी भारी है, जानता है मैं जिंदगी में पहली बार अपने हाथ में गन पकड़ रहा हूँ। नहीं यार, इसे तू ले जा, मैं नहीं रखूंगा। कमाल करता है यार, मैं इसे अपने साथ दुबई नहीं ले जा सकता, तू कल कुसुम नगर जाएगा तो इसे साथ ले जाना अपने। डरपोक साला, इतना डरता है तो फिर बंगले में कैसे रहेगा? ले, अरे शैंपेन ग्लास तो है नहीं, इसी में पीते हैं। Cheers to my new assignment at Dubai and your career. Cheers. यार तू आजकल कर क्या रहा है? मैं आजकल किताब लिख रहा हूं, वो है ना डिटेक्टिव पुष्कर, अरे उसने जो केसेस सॉल्व किए हैं वो उस किताब में रहेंगे। अब क्या है कि वो है तो इंटेलिजेंट पर लिख नहीं सकता, यू नो लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये वही पुष्कर सिन्हा है ना? हाँ हाँ वही पुष्कर यार। मैंने सुना वो थोड़ा क्रैक है, वो जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है वो मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे बताया कि वो 6-7 महीने तक उसके यहाँ ऑब्जर्वेशन पे था, मगर फिर भी ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अरे मैं मानता हूँ कि वो अपने बारे में ही ज्यादा बोलता है, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहता है। अरे यार पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी इज्जत करता है। एनीवे, हैव फन, मैं अब जाऊंगा, तो आज रात यहीं रह ले, कल सुबह चले जाना, और हाँ गन का ख्याल रख। हेलो, पुष्कर सेना स्पीकिंग। हाँ शंकर, कैसे हो भाई? कहाँ तक पहुंची मेरी किताब? सर वो बस 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी सर। सर मैंने आपके सारे केसेस में बढ़िया बढ़िया केसेस छांट लिए हैं सर, वही छापेंगे। एक्सेलेंट। अच्छा सुनो, शनिवार को मेरी पब्लिशर के साथ मीटिंग है, तो मैं तुमसे थर्सडे को मिलता हूँ। अच्छा ये पता क्या बताया था तुमने, जहां आजकल रह रहे हो तुम, हाईवे पेट्रोल पंप से लेफ्ट टर्न और फिर कच्ची रोड से राइट टर्न, है ना? और सर उसके बाद कच्चे रास्ते से वो आधा घंटा और चलना पड़ेगा। कच्चे रास्ते से भी आधा घंटे और चलना पड़ेगा? भाई कमाल का बेवकूफ है तुम्हारा दोस्त, जो ऐसी सुनसान बियाबान जगह पे अपना घर बनाया है। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी सर। सर मेरा दोस्त सतीश है जिसके बंगले में मैं रह रहा हूँ सर, वो जाते जाते अपनी गन मुझे थमा गया है। क्या तुम्हारे पास गन है? कैसी गन है? अब ये तो मुझे पता नहीं सर कि कौन सी गन है, लेकिन सर भरी हुई है। भरी हुई है? You mean loaded gun? तुम्हारा दोस्त तो उससे भी बड़ा बेवकूफ निकला जितना मैं समझता था, जो तुम्हें एक भरी हुई लोडेड गन देकर चला गया। अच्छा सुनो शंकर, तुम उस गन को हाथ नहीं लगाओगे, जहां वो रखी है उसे वहीं रहने दोगे, समझे? मैं आकर के देखूंगा उसे, ठीक है? मैंने डर के मारे, मुझे टेबल है ना सर जिसपे मैं बैठ के लिखता हूँ, उसके दाहिने ड्रॉअर में छुपा के रख दिया है। राइट हैंड साइड के ड्रॉअर में, ठीक है उसे वहीं रखी रहने दो। ओके बाय। देखो भाई, मैं एक डिटेक्टिव सीरियल बनाना चाहता हूँ जो आजकल हर जगह चल रहे हैं, जहां जाओ सब यही कहते हैं कोई बढ़िया सा डिटेक्टिव सीरियल लेकर आओ।
लेकिन जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, फॉरेन टेप देख देख कर पुरानी कहानियां ले लेकर डिटेक्टिव सीरियल बनाना, हम वैसा नहीं करना चाहते। जब हमारे पास इतना बड़ा सुपर डिटेक्टिव है तो हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है। लेकिन देखो, मेरे सीरियल का बजट बहुत बड़ा होगा, उसमें मैं बहुत बड़े बड़े स्टार्स लूंगा और सीरियल का टाइटल होगा पुष्कर सिन्हा की जिंदगी और गुनाह। देखिए, मैं इस सीरियल के 52 एपिसोड बनाना चाहता हूं। हो सकता है 104 भी बनाऊं, लेकिन 52 एपिसोड तो मुझे कम से कम चाहिए। 52 एपिसोड कम से कम चाहिए? यस, आई एम वेरी हैप्पी कुमार साहब। लगता है आज मेरा लकी डे है। आप एक हिट प्रोड्यूसर हैं, मैं एक हिट डिटेक्टिव हूं और दोनों मिलकर बनाएंगे एक हिट सीरियल। डेफिनेटली, मुझे बड़ी खुशी है आप ऐसा सोचते हैं। मैंने आपके हर केस को बार बार पढ़ा है और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आती कि आज आप जैसे बड़े आदमी से मिलकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। Do you know you are more famous than Hercule Poirot and Sherlock Holmes? Hercule Poirot and Sherlock Holmes? How can you compare with these people? नकली लोग हैं ये सब किताबों में मिलते हैं, जबकि पुष्कर सिन्हा एक सच है, जीता जागता सच जो आपके सामने खड़ा है। अरे मानता हूँ भाई, मैंने सुना है आप अपने कारनामों की एक किताब लिख रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, आप वो किताब मुझे ला दीजिए और मैं उसमें से केसेस निकाल कर अपने सीरियल के एपिसोड बना लूंगा। नहीं, वो किताब अभी लिखे जाने के प्रोसेस में है। मेरा एक असिस्टेंट है जो इस किताब को लिखने में मेरी मदद कर रहा है, लेकिन अभी वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। वो जैसे ही वापस आता है मैं आपको उससे कहानियां लेकर दे दूंगा। बाय द वे, आपको ये कहानियां कब तक चाहिए? अभी दे सकते हो? आई वांट नो डिले। आप ऐसा करो, किताब को मारो गोली, हम आज ही रात मिलते हैं, आप अपनी कहानियां मुझे सुना दो और हम टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड। सर आप यहाँ? हम लोग तो बुधवार को मिलने वाले थे। हाँ, लेकिन वो शंकर हुआ ये कि एक इतनी अच्छी खबर सुनी कि मुझसे रहा नहीं गया, सोचा बस अभी चलकर तुमको बता दूं। अच्छा, आखिर पहले अंदर तो आइए सर। आइए आइए सर, आइए आइए ना, मैं पानी लेकर आता हूं। एक मिनट सर। अरे पानी वानी छोड़ो शंकर, कुछ बियर वियर निकालो, इतनी अच्छी खबर है, लेट सेलिब्रेट। उफ़, इतनी गर्मी है इस बंबई शहर में। सर मैं तो अच्छी खबर सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी खबर है जो आप शहर से इतनी दूर गर्मी में यहाँ मुझे खबर सुनाने के लिए चले हैं? भाई हुआ ये कि सुबह मैंने तुमसे फोन पे बात की ना जी, तो उसके बाद वो प्रोड्यूसर है ना, क्या नाम है उसका, अरे वही मशहूर प्रोड्यूसर एस कुमार, हाँ। उसका फोन आया मेरे पास, कहने लगा सर मैं एक डिटेक्टिव सीरियल बनाना चाहता हूँ 52 एपिसोड का, और उसमें वो तमाम केसेस शूट करना चाहता हूँ जो आपने सॉल्व किए हैं। तुम तो जानते हो मैंने कैसे कैसे केसेस सॉल्व किए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने केसेस के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ और एक नौजवान राइटर है शंकर जेटली जो इस किताब को लिखने में मेरी मदद कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सीरियल उसी से लिखवाएं। प्रोड्यूसर मान गया और अगले हफ्ते तुमसे मिलना चाहता है। वाह, देखा मजा आ गया सर, है ना, मजा आ गया। लेकिन सर ये बात तो आप सुबह फोन पे भी बता सकते थे, आप इतनी दूर शहर से यहां खबर सुनाने के लिए आए। यार एक मैं हूं कि तुम्हें खबर सुनाने के लिए आया हूं, और एक तुम हो कि बार बार यही कहे जा रहे हो कि इतनी दूर से खबर सुनाने के लिए आए हो, इतनी दूर से खबर सुनाने के लिए आए हो। ठीक है मैं वापस जा रहा हूं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं सर, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रहा था, मैं कौन सा जाने वाला था। सर मैं बियर लेके आता हूं। यस, अच्छा देखो बात यह है कि आज शाम को वो प्रोड्यूसर मुझसे मिलने वाला है,
और मैं चाहता हूं कि हम दोनों ने अब तक जो भी लिखा है उसकी एक कॉपी उसे दे दी जाए जी। और हाँ, एक बात और है, तुम्हारे पैसों की बात भी मुझे ही करनी है। यू आर ए वेरी पुअर सेल्समैन, बिल्कुल अनाड़ी हो तुम। मैं तुम्हें एक एपिसोड के 25,000 दिलवाऊं। 25,000? यस, फैंटास्टिक। लेकिन प्रोड्यूसर क्या इतने पैसे देगा? अरे देगा क्यों नहीं, उसका बाप भी देगा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। चीयर्स फॉर ए सुपरहिट बुक एंड ए सुपरहिट सीरियल। चीयर्स। अरे इतनी इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव स्टोरी उसे और कहां मिल सकती है? 30 सालों में मैंने कितने उलझे हुए केसेस सुलझाए हैं, बीसियों मर्डर केस यूं चुटकियों में सॉल्व किए हैं, और ये सब पहली बार पब्लिक के सामने आएगा। बस शंकर एक बार ये सीरियल एयर पर आ जाने दो, फिर देखना वो शर्लक होम्स भी मेरे आगे पानी भरेगा। बाय द वे, कितने केसेस हैं हमारे पास? 25। यही अंदेशा था मुझे, 25, और उन्हें चाहिए 26। 26 कहानियों के 52 एपिसोड कर लेंगे वो। ऐसा ही करते हैं, एक कहानी 2 एपिसोड। सर आपके 70 केसेस यहां पर हैं। मैंने तो 25 सिर्फ इसलिए कहा था कि वो आपके बेस्ट केसेस हैं। सर मैं बाकी में से एक अभी ढूंढ कर निकालता हूं। एक मिनट सर, मैं देखता हूं वो ये नोट्स। हाँ सर मैं इसे अभी जल्दी से पढ़कर देखता हूं। हाँ देखो, और एक बात याद रखना, सबसे अच्छी कहानी सबसे पहले लेना। बिगनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेल बिगन इज हाफ डन। बस एक बार सीरियल हिट हो जाए फिर तो पिटी हुई कहानियां भी चलती है। मैं इन जोकरों को दिखा देना चाहता हूं कि एक अच्छा डिटेक्टिव सीरियल कैसे बनाया जाता है। पहले सीरियल आएगा एयर पे, फिर मेरी किताब आएगी मार्केट में, और जानते हो किताब का टाइटल क्या होगा? पुष्कर की जिंदगी और गुनाह। कैसा लगा टाइटल? अच्छा है, अच्छा है सर। सर ये केसेस की लिस्ट, माटुंगा मर्डर, रे रोड का पागल, ब्यूटी पार्लर मर्डर, झुंझुनवाला फ्रॉड केस, बॉम्बे बैंक डकैती केस, और ये गोरेगांव ईस्ट गैंगस्टर केस, और ये नागार्जुना सुसाइड केस। यस, दिस इज द केस, दिस इज फैंटास्टिक केस। ये कौन सा केस है सर? भाई जिसमें एक बैंक मैनेजर ने ऐसा दिखाया जैसे कि उसने आत्महत्या कर ली हो और उसके बाद बैंक से लाखों रुपए लेकर चंपत हो गया। हाँ याद आया सर। सर ये वही आदमी है ना जो दूसरे शहर भाग गया था और उसने अपना नाम बदल लिया था। इसने शायद दूसरी शादी भी कर ली थी। लेकिन सर आपने 8 साल बाद भी उसे छोड़ा नहीं। सर कमाल कर दिया आपने। सर ऐसे केसेस अगर टीवी पे आए तो जनता की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सर ये वन लाइनर, प्रोड्यूसर को स्टोरी समझ में आ जाएगी। दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज वेरी गुड केस। याद है शंकर, जब मैंने इस केस को सॉल्व किया था तो सब अखबारों में मेरे फोटो छपे थे, कितने इनाम मिले थे मुझे। वाह क्या दिन थे। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले देखता था कि आज अखबार में मेरे बारे में क्या छपा है। आपको क्या लगता है सर, वो प्रोड्यूसर एक एपिसोड के 25,000 रुपए देगा? एक एपिसोड के 25,000 रुपए के हिसाब से 52 एपिसोड के। लेकिन शंकर इसमें एक चीज मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। अरे वही सुसाइड नोट जिसके बारे में मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। उसके बिना तो कहानी में मजा ही नहीं आएगा। उसी नोट से तो उसने सबको बेवकूफ बनाया था। सब उसमें लिखा है, वो तीसरे पेज पे है शायद। तीसरे पेज पर नहीं शंकर, उसे तो पहले पेज पर होना चाहिए। उसी सुसाइड नोट से तुम्हारी कहानी शुरू होनी चाहिए। तुम्हें याद नहीं, उसी से तो उसने पुलिस तक को बेवकूफ बना दिया था। मैं पारी में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा, साला जानबूझकर वहां पहाड़ी पर झरने के पास खड़ा हो गया ताकि लोग उसे देख ले। थोड़ी देर बाद गायब हो गया, लोगों ने समझा पानी में कूद गया होगा, आत्महत्या कर ली होगी और लाश कहीं बह गई होगी। लाश मिली नहीं। वो सुसाइड नोट बहुत जरूरी है शंकर, उसी से तो उसकी बीवी ने विश्वास कर लिया कि उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सका। आप चाहते क्या है सर? मैं चाहता हूं शंकर कि तुम अपनी कहानी कुछ इस तरह से शुरू करो। नागराजन लापता है, उसकी बीवी परेशान है। 3 दिन बाद उसकी बीवी को वही सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। उसकी बीवी वो सुसाइड नोट लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस छानबीन करती है, पुलिस वो सुसाइड नोट पढ़कर ये यकीन कर लेती है कि उसने सचमुच आत्महत्या की होगी। लेकिन मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। मेरे पास वो ओरिजिनल सुसाइड नोट नहीं है, वरना मैं तुम्हें उसका सीक्रेट बता देता। एनीवे मुझे काफी हद तक याद है, मैं डिक्टेट करता हूं, तुम लिखो। हाँ लिखता हूं।
बोलिए। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूं और इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी इस हरकत से मेरे आसपास के लोगों को काफी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि मेरा कैरियर भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे ऐसा ही कुछ लिख डालो यार, तुम तो खुद राइटर हो, लड़ाओ अपना दिमाग, कुछ दुखी सा सुसाइड नोट बना डालो, लेकिन एकदम सच लगना चाहिए। मैं लिख देता हूं सर। सर ये हो गया। बहुत अच्छा है, मोस्ट परफेक्ट सुसाइड नोट। और बियर है फ्रिज में? समझिए भरा पड़ा है सर, 13 लाख सेलिब्रेट करना है। 13 लाख? हाँ सर, 25,000 के हिसाब से 52 एपिसोड के 13 लाख हुए। सर मैं नाला सोपारा में एक फ्लैट खरीद सकूंगा। सर मैं पेइंग गेस्ट रहते रहते परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ पीजी से। क्यों भाई, पीजी में क्या परेशानी है? तुम्हें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे दुबई वाले दोस्त ने इतने बड़े मकान में रहने को दिया। पर एक बात जरूर है, इतने बड़े मकान में तुम्हें अकेला अकेला लगता होगा, नहीं? हाँ सर वो तो है, लेकिन मैं सर यहाँ आराम से लिख पाता हूँ। सर मैं बियर लेके आता हूँ। पिस्तौल जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दी है प्रोटेक्शन के लिए है? हाँ सर, सतीश ने कहा कि यार रख ले तू, कभी काम पड़ सकता है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग सर मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सर ये समझ के सर लोडेड है सर। हाँ लोडेड, शूट करने के लिए तैयार। बैठ जाओ शंकर, मैं तुम्हें गोली मारने वाला हूं। सर ये प्लीज सर ये ड्रॉर में रख दीजिए सर, इसका निशाना जब मेरी तरफ होता है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है सर। सर मैं ये मजाक पसंद नहीं करता सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं शंकर, मैं सचमुच तुम्हें जान से मारने वाला हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्या करूं कैसे करूं, लेकिन आज सुबह जब तुमने फोन पर बताया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल दी है, तो मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान घूम गया। पर आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? पूछता है क्या? मुझे वो प्रेम पत्र मिल चुके हैं जो तूने मेरी बेटी को लिखे थे। तूने मेरी भोली भाली बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। ये हम आपको बता नहीं वाले थे सर। मैं अलका से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ? तुझे क्या लगता है मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे फटीचर राइटर के साथ करूंगा जिसका सिर्फ एक सपना है नाला सोपारा में फ्लैट खरीदना? देखिए मुझे अब अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं, मैं कुछ ही दिनों में बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और फिर अलका भी तो मुझसे प्यार करती है। जानता हूं, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है, तुम दोनों भाग कर शादी करने वाले हो। नहीं नहीं, वो भागना चाहती थी, मैंने तो कहा कि ये तो अच्छी तरह से करेंगे आपकी परमिशन लेके। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तू मरेगा नहीं ऐसा होगा नहीं। अगर आप मुझे मार देंगे तो आप जेल चले जाएंगे और आपका नाम डूब जाएगा, फिर आपकी बेटी से शादी कौन करेगा? तू गधा का गधा निकला।
इतने सालों तक मेरे साथ काम किया लेकिन फिर भी तू मेरे दिमाग को नहीं समझ सका। अरे मैंने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, इतने अपराधियों को पकड़ा है कि मेरा दिमाग भी अपराधी जैसा हो गया है। तू मरेगा जरूर लेकिन किसी को इस बात का शक नहीं होगा कि तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे मालूम था कि तेरे पास पिस्तौल है, मुझे यह भी मालूम था कि आज तेरा नौकर छुट्टी पे है, इसीलिए तो मैं आज यहां आया। अब कल तेरा नौकर आएगा और देखेगा उसके साहब आंधे पड़े हैं, उनके हाथों में पिस्तौल है और पास में पड़ा है एक सुसाइड नोट जिस पे लिखा है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। पागल हो गए क्या? आपकी बेटी ठीक कर दी थी कि मेरा बाप पागल है। मेरी बेटी कहती थी कि उसका बाप पागल है, मेरी बेटी कहती थी कि उसका बाप पागल है। मैं पागल हूं बोल, मैं पागल हूं। नहीं, मैं मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं पागल हूं। नहीं, एक आदमी ने अपने आप को गोली मार ली। परफेक्ट। क्लास रिपेयर यहां क्या कर रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूं और अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। नागार्जुन सुसाइड केस, मेरी फाइल। नागार्जुन सुसाइड केस। नागार्जुन, अब तुम्हारे सुसाइड की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यस। तुमने तो सुसाइड नहीं किया लेकिन तुम्हारी वजह से एक आदमी ने सचमुच सुसाइड कर लिया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मिस्टर नागार्जुन, थैंक यू, थैंक यू। कोई सबूत नहीं। मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर कि इसने अपने आप को क्यों खत्म कर लिया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि इसके पास गन भी है। आखिर क्यों किया इसने ऐसा? इतना समझदार, होशियार, उसने मेरी किताब के लिए इतना काम किया था, इतना काम किया था कि मेरी बेटी भी उसे कितना चाहती थी। उसे यह सब सुनकर कितना सदमा पहुंचेगा। हो सकता है इंस्पेक्टर की वो अपने कैरियर को लेकर परेशान हो। हाँ, ये ठीक है। मेरा लाइटर। मर गया। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो मेरी तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। उस पर तो मेरी उंगलियों के निशान भी मौजूद होंगे और मेरा नाम भी तो लिखा है उस पर। और नो, अगर वो पुलिस को मिल गया तो मेरा बच पाना मुश्किल है। गॉड, इतनी जल्दी पुलिस मुझ तक पहुंच भी गई।
अरे हेलो मिस्टर सिन्हा। हेलो। अरे रानी आपने पहचान लिया सर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आप ही ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं? आप ही ने तो सिखाया था सर कि ऐसी जगहों पे एक दो चक्कर लगाने से एक आधा मुजरिम हाथ आ ही जाता है। मैं यहाँ आया ही क्यों? क्या हुआ सर, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं कुछ नहीं। इनसे मिलिए सर, ये है मेरे कुलीग महेंद्र, इसे भी आप ही ने पढ़ाया है, आपको याद है? सर मैं आपका चेला। हाँ याद आया याद आया, तुम भी बहुत तेज थे, कहाँ हो आजकल तुम? फिलहाल मैं इनका असिस्टेंट हूँ। मगर सर आप इस खूबसूरत चेहरे के पीछे मत जाना, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे सख्त इंसान छुपा हुआ है। पता नहीं क्यों सर, मुजरिमों को देखते ही मेरा फ्यूज उड़ जाता है, एक भी मुजरिम अगर मेरे हाथ आ जाए तो उसकी एक दो हड्डियां तो मैं तोड़ ही देती हूँ। खैर छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यही नजदीक में एक दोस्त रहता है, उससे मिलने जा रहा था। कहाँ रहता है? यही। कहाँ? हिल व्यू बंगलो क्रॉस रोड पे। कुछ लेंगे आप? जी नहीं सर, मैं ड्यूटी पर हूँ, यही नजदीक कुसुम नगर पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग हुई है। आप कभी आइए ना वहाँ, हमें बहुत खुशी होगी। जरूर। मुझे अब तक आपका सिखाया हुआ हर सबक याद है सर, कैसे मुजरिमों से गुनाह कबूल कराया जाता है, कैसे गवाहों से बात की जाती है और कैसे सबूत के बिना पर मुजरिम तक पहुंचा जाता है, सब कुछ। अच्छा अब हम चलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बस मैं भी थोड़ी देर में निकलूंगा। गुड बाय। बाय। हेलो कुसुम नगर पुलिस स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर रानी शर्मा से बात कर सकता हूँ? हेलो इंस्पेक्टर रानी शर्मा, देखिए मैं पुष्कर सिन्हा बोल रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, यहाँ एक आदमी ने अपने आप को गोली मार ली है। जी क्रॉस रोड हिल व्यू बंगलो। जी क्या कहा? 20 मिनट में? ठीक है मैं 20 मिनट यहीं आपका इंतजार करता हूँ। थैंक यू। अब 20 मिनट में इंस्पेक्टर यहाँ आ जाएगी, उससे पहले मुझे अपनी कहानी ठीक ठाक कर लेनी चाहिए। यस। आइए आइए इंस्पेक्टर रानी शर्मा, आइए प्लीज, ये देखिए ये रही लाश। पता नहीं क्यों इस आदमी ने अपने आप को गोली मार ली। सिन्हा साहब ये आदमी कौन है, आप इसे जानते हैं?
जी हाँ जानता हूँ, ये वही है जिसका जिक्र मैंने आपसे बार में किया था, शंकर जेटली नाम है इसका। मैं एक किताब लिख रहा हूँ उन केसेस के बारे में जो मैंने सॉल्व किए थे, उसे लिखने में ये मेरी मदद कर रहा था। आज इसका फोन आया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आप प्लीज मुझसे मिलिए। मैंने कहा भाई जो भी परेशानी है फोन पे बता दो, मैं बहुत थका हुआ था, पैरों में भी दर्द हो रहा था। कहने लगा नहीं सर आप प्लीज आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बात है। आया, रास्ते में बियर बार देखा तो सोचा एक आध बियर पी लेता हूँ थकान मिटाने के लिए। मैं बार से करीब 5 बजे निकला, जैसे ही गेट के अंदर घुसा इंस्पेक्टर तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं भागा भागा आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आया। अंदर आया तो देखता हूं कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इंस्पेक्टर कि मैं क्यों वहां बार में बैठकर बियर पीता रहा, अगर सीधा यहां आ जाता तो इसे बचा लेता। सिन्हा साहब आपने कहा कि आपने गेट में घुसते ही गोली की आवाज सुनी। यस इंस्पेक्टर, मैंने गेट में घुसते ही गोली की आवाज सुनी। सिन्हा साहब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं होता। What do you mean, इंस्पेक्टर, यकीन नहीं होता? आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? देखिए सिन्हा साहब, आप 5 बजे बार से आए और यहां, इसका मतलब आप 5:15 बजे पहुंचे होंगे। आपने गोली चलने की आवाज सुनी, आपने दरवाजा तोड़ा, आप अंदर आए, क्योंकि अभी 6 भी नहीं बजे हैं। लेकिन लाश इतनी ठंडी पड़ चुकी है सिन्हा साहब कि इसे मरे हुए 3 या 4 घंटे हो चुके हैं। आप एक इंटेलिजेंट पुलिस अफसर से बात कर रहे हैं सिन्हा साहब। ये गोली की बात तो गड़बड़ है, कुछ और सोचना पड़ेगा। हटाओ ना इस गोली वोली को, कुछ और सोचता हूं। वो हुआ ये इंस्पेक्टर कि मैं 5 बजे बार से निकला, यहां आकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा था और फोन की घंटी लगातार बज रही थी। मुझे लगा कहीं इस आदमी को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया है, तो मैंने दरवाजा तोड़ा। अंदर आया तो देखता हूं कि ये आदमी यहां मरा पड़ा है, हाथ में पिस्तौल है और एक सुसाइड नोट रखा है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है इंस्पेक्टर कि मैं क्यों वहां बार में बैठकर बियर पीता रहा, अगर सीधा यहां आ जाता तो इसे बचा लेता। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, बस इसी पर अड़े रहना पुष्कर सिन्हा। शंकर जेटली, बस अफसोस इतना है कि इसे हम अपनी बुक में शामिल नहीं कर सकते और ना ही इस पे सीरियल बन सकता है। कहो कुछ तो कहो, मुझे पागल कह रहे थे ना तुम? मेरी बेटी से शादी करने वाले थे, मेरी बेटी से शादी करने वाले थे। मानते हो ना मेरे दिमाग को, कितना स्मार्ट हूं मैं। बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? बोलो यार, कुछ तो बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन सिन्हा साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन सिन्हा साहब, बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन सिन्हा साहब। इन्होंने तो फोन करके हमें यहां बुलाया था, इन्हें किसने मार दिया? मगर गोली चलने की आवाज तो अभी सुन ली।
मैं देखता हूं। वहां पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर इन्हें किसने मारा? नहीं नहीं, इसने तो इन्हें नहीं मारा होगा। इसे मरे हुए तो 2-3 घंटे हो चुके हैं। लाश बुरी तरह से अकड़ चुकी है। रायगढ़ नोटिस आ चुका है। इसने सिन्हा साहब को नहीं मारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पुष्कर साहब को किसने मारा होगा। जी सर। साला दिमाग खराब हो गया। शंकर मरा पड़ा है, उसके हाथ में पिस्टल है, टेबल पर सुसाइड नोट पड़ा है, उसके अपने हाथ का लिखा हुआ। इसका मतलब शंकर ने आत्महत्या की है और गोली लगने के जोर से वो कुर्सी के साथ ही पीछे की ओर गिर पड़ा। जिस गोली से शंकर की मौत हुई वो गोली सीधे दीवार में जाकर लगी, और दूसरी गोली जिससे पुष्कर साहब मरे वो ऊपर छत पे जाकर लगी। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो गोली छत पे लगी है उसी गोली से पुष्कर साहब मरे? हमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिली है जिसके मुताबिक दोनों गोलियां एक ही पिस्टल से चली है जो कि शंकर के हाथ में थी। जिस गोली से पुष्कर साहब की मौत हुई वो उनकी छाती में लगी और पीठ से निकलकर सीधी छत पे जा लगी। छाती का घाव, पीठ का घाव और ऊपर छत पर लगी गोली का निशान, इन तीनों को अगर आप एक साथ एक लाइन में मिलाएं तो इसे साफ जाहिर है कि जब पुष्कर साहब को गोली लगी तो वो आगे की ओर झुके हुए थे और गोली यहां नीचे से सीधी चलाई गई। वैसी अब देखो, शंकर की मौत 2:30-3 बजे के आसपास हुई और तुम पुष्कर साहब से 5 बजे बार में मिले, राइट? जब वो शंकर से मिलने जा रहे थे। माइंड यू, जब तुम पुष्कर साहब से मिले तो शंकर ऑलरेडी मर चुका था। 5:30 बजे के आसपास पुष्कर साहब ने फोन किया और बताया कि शंकर मरा पड़ा है। 6 बजे तुम वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही तुमने गोली चलने की आवाज सुनी। हाँ साहब, और हम भागे। वहां पर बंगले में घुसने का एक ही रास्ता था, जहां पर दरवाजा टूटा पड़ा था। वहां पर तो दूसरा कोई नहीं था, अगर कोई होता तो हमें दिखाई देता। वहां पर तो सिर्फ पुष्कर साहब और शंकर की लाशें पड़ी हुई थी। अगर वहां दूसरा कोई नहीं था तो गोली चलाई किसने? कहीं आप ये तो नहीं कहने चाह रहे कि गोली मुर्दे ने चलाई? हाँ, लेकिन मुर्दे ने गोली चलाई कैसे? मैं बताता हूं मुर्दे ने गोली कैसे चलाई। मुर्दे ने गोली रिगर मोर्टिस की वजह से चलाई। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, रिगर मोर्टिस की वजह से मरने वाले का शरीर ठंडा हो रहा होता है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ता है और पत्थर की तरह कड़क हो जाता है। मगर सिकुड़ने की वजह से बॉडी की पोजीशन नहीं बदलती, वो जैसी है वैसी ही रहती है। देखिए, शंकर करीब 3 बजे मरा और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घंटे में उसके शरीर की सारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स कड़क हो गई। सबसे पहले आंख की, फिर नाक की, फिर मुंह की, फिर गले की, फिर छाती की और नीचे की सारी मांसपेशियां कड़क होगी। सबसे आखिर में जो मसल्स कड़क होती हैं वो हैं हाथों की और पैरों की उंगलियां। शंकर के हाथ में गन थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, उंगली सिकुड़ी और पिस्टल चल पड़ी था। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।